गाइज हमारे बर्थडे में आए इतने सारे गिफ्ट मूर्तियां ये सब सारी, तो आज कर रहे हैं सबके अनबॉक्स, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइज। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज हम भी ठीक है। मैं तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मार्केट जाना है कुछ शॉपिंग करने, और गाइज खाना भी बना लिया है। और मस्त राम जब भी नहा रही है तो नहा धो के ऑफिस निकल जाएंगे। भाई नहाना जरूरी है, नहाए बिना ऑफिस नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो? ऑफिस छुटवा के मानेगी तुम्हारा। गुड मॉर्निंग गाइज, तो मैं भी उठ के नहा धो के फ्रेश व्रेश होके अब जा रहा हूँ ऑफिस। ऑफिस जाना है मेरे को। गाइज आज अंकिता ने कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहने, मतलब गुजराती साइड के। तो चलो कमेंट करके बताना एक बार चारों तरफ घूम कैसे लग रहे हैं कपड़े। मेरे गुजरात के कपड़े। तो गाइज ये गुजराती कपड़े हैं अंकिता के, तो आज तो पूरी गुजरात तन लग रही है। गुजरात तन पीस गुजराती फाफड़ा जलेबी लग रही है। तो नहीं खम्मन लग रही है, खम्मन ढोकला। और आप लग रहे फाफड़ा, क्योंकि गाइज मैं जेठालाल हूं ना इसलिए। मैं तो दया हूं ही नहीं। दया लग रही है पागल, घूम चारों तरफ घूम मेरी रानी, क्या बात है। हाँ तो हीरोइन लग रही है पूरी। अब ज्यादा बड़ा होगी, फटाफट रोटी खिला, निकल फटाफट निकल। गाइज आज लग रहे मस्त राम जी पेवर नहाए हुए, नहा लिए क्या बात है? आज तो नजर ना लगे। मैं इसलिए नहीं नहाता हूँ कि फिर तू बोलेगी ना की पता नहीं कहाँ जाने लग गया, कि अब तो न मेरे से बात करता है न मेरे को प्यार करता है। तो इसलिए मैं नहाता नहीं हूँ कि कोई भी मेरे आस पास में कोई नहीं आए, मतलब समझ रहे हो ना गाइज, आप समझ सकते हो ना बस वही। आप तो मेरे से बात ही नहीं करते ऑफिस जाने के बाद। तो सोच ले कि मैं कहीं जा रहा हूँ। कहीं क्या जाओगे, ऑफिस जाते हो और तो कहाँ जाओगे? और ठिकाना है कहाँ है आपका? इंग्लिश तो बोल के बता। क्या बोल के दिखा? आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही। यक्ष इंग्लिश आई यार, केरला की इंग्लिश दिखे। ब्यूटीफुल गर्ल। ओहो क्या बात है, तू ही रोटी की तरह लग रही थी ना। यहाँ तो दोनों गुड़मुल रखा जामा। गाइज दिन के बच चुके पुनीत दो और अंकिता, और ये तैयार अब कपड़े वपड़े इसने चेंज कर लिए, अब मार्केट लेके जा रहा हूँ। गाइज मैं भी ऑफिस जाके आ गया और अब इसको मार्केट से कुछ कपड़े वपड़े दिला के लाना है। और क्या लेके आएगी? स्वेटर, शॉल और जो भी बाजार में दिखेगा। चले चलो अभी जाओ भाई, कब तक वेट करवाओगी रानी? चप्पल तो पहन लेने दो। आपकी चप्पल, आपके कपड़े नए नए, आज तो अलग ही लग रही है डिजाइन वाली। ये पुराना है, ये मेरा लहंगा। चलो एक बार कागले वाली स्माइल दे दो। वाह 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 क्या स्माइल थी। ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। आ जा चला जा जल्दी, आ जा आ जा ला जा यार, अब लेट हो रहे हैं अंकिता। प्यार से बोलो। प्यार से बोला ऐसे बोलो भाई, आ जाओ ना रानी, ऐसा बोलो आ जाओ ना रानी। देर हो ना जाऊं। आ जा ला जा चला जा, एक बार और बोलो आई लव यू। आ जा चलो। तो गाइस हम आ गए भीलवाड़ा की मार्केट में आजाद चौक, और आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, मेला ही लग रहा है पूरा। बिल्कुल लेडीज रहती है। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, कितनी ज्यादा भीड़ है गाइस। यहाँ पे ना लेडीज और जेंट्स सबके सामान मिलते हैं दबा के। हाँ लेडीज के ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गाइस मस्त मस्त मिलते हैं मतलब। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम गवर्नमेंट्स दुकान पे, यहाँ पे ये कपड़े चेंज करवाने। एक तो कलर भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, पेंट का तो ठीक है लेकिन इसका ज्यादा कलर पसंद नहीं आया। और ये दोनों छोटे रह गए, ये भी बहुत टाइट है, ये भी बहुत टाइट है, मोटा जो हो गया। मैं ये 2021 वाले मस्तराम के लिए कपड़े लेके गई थी, इसको पता नहीं है समय बदल चुका है तो मोटा में भी हो गया। लेकिन मुझे तो वही नजर आता है जो मेरा पहले वाला मस्तराम है वही। रहने दे भाई, तू इतना सूखला मस्तराम के साथ कैसे रह गई यार। और इधर तो भाई सब मिरर भी लगा हुआ है, तो आप मिरर में वीडियो भी बना सकती हो। बनाऊंगी ना अभी। क्या स्मार्ट लग रही है। तो गाइज फाइनली भैया आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए थे, और हमने ये कपड़े निकलवाए थे एक्सचेंज में। मैंने गाइज उस शर्ट की जगह व्हाइट शर्ट लिया है, ये पेंट थोड़ा बड़ा लिया है, ब्लैक लिया है, इनके तक पसंद थी तो इसलिए इसके अंदर शर्ट भी पहन सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। एक तो ये ले लिया और एक सूट ले लिया पूरा ट्रैक सूट जो ऊपर से नीचे तक नाइकी का। सबको बोलना यस गारमेंट अप्सरा कॉम्प्लेक्स। तो गाइज चाय आ चुकी है। तो गाइज शॉपिंग से ज्यादा तो इधर इसकी इस पे नजर आती है, पानीपुरी पे, तो बोल रही की पानीपुरी खिला, तो इसको यहाँ पे पानीपुरी खिलाना पड़ेगा पहले। तो मासूम चेहरा मत बना, खा ले चुपचाप भैया, इसको पानीपुरी खिला दो। तो गाइज आप देख सकते हो नेपाली मार्केट को, नेपाली मार्केट आप पहुंचे हैं। अब यहाँ पे अंकिता करवाना शॉपिंग, तो यहाँ से जो भी सामान वामान लेना है सारे तो यहाँ से ले लेते हैं गाइज। तो बने रहो ब्लॉग के साथ, आजा क्या लेना है तेरे को? मेरे को बहुत सारा, पूरा मेला ही लेना है। हाँ मेला लेना है, तू यहाँ पे करो करोड़पति की। आप तो ले लिए कपड़े। तो जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई भाई। नहीं फिर दिलाएगा। एजेंटी के पास ले रहे हैं, यहाँ से स्वेटर देख रहे हैं। तो ये बढ़िया लगा है अंकिता को, लेकिन इसकी ना भाव बहुत लंबी है यार, इतनी लंबी निकल गई इसकी। और गाइज ये पहन रही है तो ये बताओ कैसी लग रही है, देख रहा अंकिता इधर।
तो गाइज ये बताओ ये कैसी लग रही है, दिखा मिरर में देख भाई, इसके अंदर देख। अगर अच्छी नहीं लगी ना घर पे जाके किसी ने बोल दे कि अच्छी नहीं है तो फिर आपको देख ले, फिर मेरे को मिठाई खिला देना। तो गाइज इसका बताओ कलर, ये बोल रही है कि इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा है लेकिन कलर ये भी बढ़िया लग रहा है, नया कलर आया है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा बेस्ट था, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अलग लग रहा है, शेर लग रही है वो, ये तो डायना वाला हो गया। ओ क्या बात, टोपा लग रही है पूरा, तू भी टोपा लग रही है, कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो गाइज बहुत सारी शॉपिंग कर ली मैंने भी, कर लिया अंकिता ने भी, सोल वगैरह सब ले ली, तो घर पे जाके दिखाएंगे क्या क्या है। और गाइज गिफ्ट भी अनबॉक्स करना है आज, और मेरा ऑफिस का हो गया टाइम, 5 बज चुकी है, तो हम जा रहे हैं फटाफट, और भी शॉपिंग करनी थी लेकिन बाद में आएंगे, तो चल आ जाओ आप जल्दी आ जाओ। तो गाइज अंकिता को लेके ऑफिस आ गया हूँ, यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करना है आज, तो अंकिता ने 7-8 हज़ार का चूना लगा के फिर बैठी है शांति से नहीं, मैंने घर पे बोल दिया था मैंने कि अगर जेब में पैसे होना तो ही चलो, तो फिर मेरे जेब में पैसे नहीं थे, फोन पे में थे ना। कहीं पे भी हो मेरे को पता था भाई, फोन पे में जेब में नहीं थे उससे क्या। तो गाइज कोई नहीं, इसको शॉपिंग करवा दी, 7-8 हज़ार की शॉपिंग हो गई टोटल, और 1500-2000 का मैंने भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया। मंगलसूत्र भी इन्होंने सोना का ला दिया है, तो गाइज कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, पूरी पेमेंट ही गई थी। जय हो भगवान जी, क्या है इस खुशी का राज, क्या है इस स्माइल का राज, कुछ लूटने वाले हैं या फिर कुछ करने वाले हैं? गाइज क्या बताओ ना, तुम मेरे जो गिफ्ट आए ना उनको देखे भी ना, मेरे को रोटी भी नहीं भा रही है। गाइज ये ना बाइक पे मेरे क्या बोल रही, तू चलते है ना सबसे पहले मेरे गिफ्ट ओपन करना, मगर ठीक है भाई चला जा चला जा। पूर्ण 3 गिफ्ट आए थे लेकिन उनको कर लेते ओपन, जिस जिसने दिया उसका नाम लेंगे, जिस जिसने नहीं दिया उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसको एहसास करा देंगे कि तूने क्यों नहीं दिया। बेइज्जती फुल एंजॉय के साथ में। तो गाइज बने रहो, गाइज अंकिता ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, देखो कितने सारे गिफ्ट है, पर इतने सारे नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6 गिफ्ट है गाइज, 6 गिफ्ट आए थे हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस जिसने गिफ्ट दिया, और जिस जिसने गिफ्ट नहीं दिया उसको धन्यवाद, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। सही बात है। हम कोयला भर के लेके जाएंगे इन सब पैकेटों के अंदर। सही बात है ना अंकिता। तो गाइज अब खोलते हैं गिफ्ट, किस किस का गिफ्ट है नाम बता बता के गिफ्ट खोलना। तो गाइज ये गिफ्ट है देवा भाई और अंकुश भाई का, तो गाइज ये कृष्ण कन्हैया की मूर्ति, कृष्ण और राधा भगवान की। तो गाइज मजा आ गया इसको देख के, तो भाई कितने प्यारे लग रहे भगवान जी यार, जय हो भगवान जी, जय हो भगवान जी, चलो मजा आ गया भाई। आप में सही बात है, कृष्ण किलाया हम, राधा जी ये, और बिल्कुल जोड़ी भी देख तेरी जैसी लग रही गोरीगट, और भगवान जी भी मेरे जैसे लग रहे काले सूम। तो चलो ये गिफ्ट तो मस्त लगा भाई, बहुत प्यारा गिफ्ट है गाइज, देख सकते हो आप। मेरे लिए ड्रेस था और अंकिता के लिए 200 रूपए थे, और उन सबने मिलके मतलब जो हमारे को सरप्राइज दिया था उन सबने मिलके दिया था, तो पूरा खर्चा उन्हीं का था, रात के 12 बजे वाला। तो चलो सही है, मतलब पूरे फार्म हाउस वाली टीम का था वो खर्चा ना। तो बुआ ने ये कपड़े दिए, बुआ ने बहुत अच्छे कपड़े दिए गाइज, देख सकते हो आप। और गाइज ये संतरा आंटी, राकेश भैया और फूफा जी का, ये भी पूरा का मिला के ये तीनों ने, ये हाँ, दिया था। तीनों ने मिलके हमारे को सरप्राइज दिया था ना, तो गुलदस्ता दिया था ये, और केक वेक सब काटे थे तो उन्हीं का खर्चा था वो। हाँ, संतरा आंटी का, राकेश भैया का और फूफा जी का, तीनों फैमिली ने मिलके सरप्राइज भी दिया और केक भी काटा, सब कुछ डेकोरेट वगैरह उन्हीं का था गाइज, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से हमारा बर्थडे सफल हुआ। सबसे ज्यादा इंतजार इस वाले बॉक्स का है, इंद्राज जी और महेंद्र भैया का ये। अब ये बड़ा है लेकिन पता नहीं इसमें छोटा निकलेगा है क्या निकलेगा, लेकिन वेट कर रहे थे भाई कल से अंकिता को, तो ना इंतजार नहीं हो रहा था। इसके अंदर मेरे को बताओ क्या दिख रहा है, मतलब मुझे आइडिया से लग रहा है कि घड़ी वड़ी हो सकती है, हाँ बड़ी वॉच हो सकती है या फिर बड़ा कांच हो सकता है, देखते हैं अंदाजे से क्या निकलेगा, वैसे अंदाजा दोनों का गलत भी जा सकता है। टन टन, ओ भाई, अरे भाई देख मैंने बोला था वॉच, वाह यार ये तो सबसे तगड़ा था, क्या बात है, देख लो पर मेरे को मजा आ गया, देख मैंने सोचा था भगवान की कसम, पता है मैंने क्या आइडिया लगाया, इस डिब्बे के साथ मैंने आइडिया लगाया, मगर इसके अंदर वॉच निकल सकती है भाई। वाह यार इंद्राज जी, थैंक यू महेंद्र भाई और इंद्राज जी का गाइस जी गिफ्ट। तो हमारे पास घड़ी भी नहीं थी, तो सबसे स्पेशल बात ये है कि उनको जय हो गणेशा ही नाम है, जय हो गणेशा ही नाम है, हमारा टाइम हमेशा अच्छा चलना चाहिए, बिल्कुल गणेश जी की तरफ, गणेश जी बोल रहे हैं इधर से भाई टाइम अच्छा चल रहा है, मस्त राम तेरा मस्त रहने का, अंकिता तेरे को भी मस्त रहने का, गणेश जी ने बोल दिया अब तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। तो चलो भगवान जी की तस्वीर को भी इस साइड में रखते हैं। हाँ। तो गाइस ओ हो इसके अंदर स्प्रे निकली है भाई सब, क्या बात है, कौन सी कंपनी की है, देवनर देवनर, हाँ देवनर है क्या,
तो गाइज बहुत ही प्यारे अंकिता ने परफ्यूम दिए तो लगा ही लेता हूँ थोड़ा बहुत तो। अरे भाई वीडियो में सबके पास खुशबू चल जाएगी, मर जाएंगे तेरी खुशबू से। वाह 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 क्या खुशबू है। ये कपड़े लेके आई थी मैं इनके लिए, मतलब दूसरे लेके आई। तो गाइज आज चेंज करवा दिए इन कपड़ों को, तो मैंने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट रख लिया। तो कमेंट करके बताना पहले वाली जोड़ी अच्छी थी, यह वाली जोड़ी अच्छी है। तो गाइज इतने सारे गिफ्ट मिले हमारे को तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। और ये जो आज कपड़े लेके आए थे ना वो बताते हैं, सारा बहुत सारे कम से कम 7-8 हज़ार के कपड़े लेके आए थे गाइज। तो गाइज ये मेरा ट्रैक सूट है, तो फैला के बताएं कितना कैसा है। तो ये इसका नाइकी का, ये इसका पजामा। मैंने इसको बोल दिया 6 बजे उठना, तैयार हो जा तू, 6 बजे उठने के लिए रेडी हो जा, 6 बजे उठ के डेली रनिंग करेंगे, योगा करेंगे। लेकिन ये बूट सवार सिर्फ अभी कहने के लिए, ये गाइस 2 दिन भी नहीं दौड़ेंगे 100% मेरे को विश्वास है, इसलिए कि अभी बोलो आपके हाँ सही में मैं दौड़ूंगा, कंफर्म 6 बजे उठ जाऊंगा कंफर्म। हाँ और गाइस ये टी शर्ट लेके आए थे जिसके अंदर शर्ट भी पहन सकते हैं और नहीं भी पहने तो बेस्ट रहती है, ऐसा लगता है जैसे जर्सी है, शकल से भी बहुत नहीं है। ये तो मेरे को बहुत पसंद आए थे, फर्स्ट दिन गई थी ना उस पे शॉप पे तभी मेरे को पसंद आ रही थी, लेकिन बिना इनकी इजाजत के मैंने सोचा इनसे पूछ के बाद में लूंगी। तो ये स्वेटर के भी कमेंट करना, ये भी दोनों तरफ से पहन सकते हैं अपन, दोनों साइड से है ये, इधर से भी ये अलग कलर है पे उधर से अलग कलर है। तो गाइज बताना एडिडास कंपनी का है, ओरिजिनल नहीं है, मतलब लोगो लगा हुआ है एडिडास का। गाइज ये 1700 रुपए का है, तो कमेंट करके बताना सही है या गलत रेट में आ गया। हाँ इधर से भी पहन सकते हैं, उधर से पहन सकते हैं, दोनों साइड से पहन सकते हैं गाइस। तो बताना कैसा है। दिन दिन धाना धाना, दिन दिन धाना धाना, दिन दिन धाना धाना, वाओ। तो गाइस ये छोटी सी जर्सी लेके आई है, पता नहीं क्या लेके आए ये कबूतर, बहुत मस्त है। इधर साइड वाली चेन गाइस वाइन वाली दिखाया था ना मैंने आपको, वो वाला बेस्ट लगा था, पर इसने चेंज करवा दिया, नहीं मैं तो वो नहीं लूंगा, ये लूंगी। लेकिन ये महंगी है उससे 100 रुपए, ये 1400 रुपए का है, 1450 का। हाँ तो गाइज कमेंट करके बताना कैसा लगा ये। और इसकी यहाँ पे भी चेन है, बिल्कुल नहीं वैसे तो बढ़िया है ये भी। और गाइज ये सोल लेके आई थी, भाई सोल तो बहुत महंगी मिल रही है यार, मैं तो सोचता था 100-200 रुपए मिल जाती होगी, पहले के जमाने में भी नहीं मिलती थी 100-200 में, तो दुपट्टा भी नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हो, चलो बहुत प्यारी लगी सोल में भी, और क्या है। और गाइज ये टोपा, अब आप सोच रहे होंगे गाइज ये सब सामान हमने क्यों लाया, स्वेटर वगैरह। तो गाइज हम ट्रिप बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया जगह पे जाने के, सबसे पहले तो हम उदयपुर जाएंगे। क्या फनी लग रही है भाई। तो गाइज ये स्टॉल जो कि इससे ज्यादा मैं ओढ़ लूंगा इसको, क्योंकि बाइक पे जाऊंगा तो मैं ही बांधूंगा इसको ज्यादा। तो जितनी भी गर्ल्स तेरे को देखती है ना सब कुछ हो जाएंगी, क्योंकि उन लड़कियों का तो भाई इतनी शॉपिंग करवाते हैं तो बहुत मजा आता है। तो सब कुछ हो जाएंगे भाई, अंकिता दीदी ने क्या क्या ले लिया, जीजू कितने अच्छे, जीजू का भी अच्छा कौन, जीजू एक नंबर का डोना आदमी। आज मार जच गिरे मुगल, फेंक पीसन फेंक ही बनाया काम पड़ेगा, 5-6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार की शॉपिंग होगी भाई, 7 हज़ार की बहुत महंगे। हाँ लेकिन मजा आ गया भाई सारी शॉपिंग करके। गाइज कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो अब खाना वाना बना दे अंकिता, भूख लग रही है भाई, खाना खा के फिर तो सोएंगे। आज का ब्लॉग तो पता नहीं बड़ा बना छोटा बना, लेकिन बढ़िया बना होगा। गाइज मैं फार्म हाउस चला गया था और अंकिता मेरे सॉरी नाराज। तो गाइज अंकिता ने खाना तो लगा दिया है, पालक की सब्जी और रोटी। गाइज मैं लेट इसलिए आया हूँ क्योंकि सेठ जी से बात करने लग गया था, तो काफी टाइम तक बातें करी तो लेट हो गया, तो सॉरी अंकिता जी। और गाइज वैसे भी ब्लॉग तो बहुत बड़ा बन गया था, ये सोच रही ब्लॉग नहीं बनाया है, मैंने खाना नहीं खाया, भूख लग रही है, तो सॉरी 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 तेरे कान से पकड़ के सॉरी 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 सॉरी। चलो खाना खा लेते हैं गाइज। गाइज आप तो बहुत सारी शॉपिंग की, राजस्थान आए ना इसलिए शॉपिंग की, अगर हम गुजरात या चेन्नई में होते ना तो शायद इतना कुछ नहीं खरीदते, क्योंकि वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है ना, और राजस्थान में तो अभी इतना बुरा हाल है ना, खतरनाक वाली सर्दी पड़ने लग गई, इसलिए मैं भी जैकेट वगैरह लेके आई हूँ, टोपा वगैरह। और गाइज हमारी ट्रिप बना रहे हैं हम कि माउंट आबू या फिर उदयपुर, कहीं ना कहीं पे हम मतलब 8-10 दिन के अंदर घूमने जा रहे हैं, तो आप भी कमेंट करके बताना कि अभी सर्दी के माहौल में कहाँ पर हम घूमने जाए, कहाँ की ट्रिप हमारे लिए बेस्ट होगी और हमारे बजट में होगी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।